उत्तराखंड में आगामी दिनों के लिए मौसम विभाग ने पूर्व अनुमान जारी किया है। बता दें कि प्रदेश में अभी तक बारिश और बर्फबारी देखने को नहीं मिली। वहीं मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि उत्तराखंड के कई जिलों में उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और में बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। उन्होंने कहा कि 24 से 25 जनवरी को मौसम साफ रहने की संभावना है। इसके बाद 26 तारीख को भी बारिश बर्फबारी की आशंका है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। अभी देखिए, आज आपकी 23 तारीख हो गई है और उत्तराखंड के लिए अगर मौसम की बात करते हैं तो अभी तक जो रेन या स्नोफॉल एक्टिविटी कोई हमको मिली नहीं है। करीब करीब जब पूरा जनवरी निकलने वाला है, अभी लास्ट वीक हमारा बचा है, तो इसमें देखें जो अभी 3 से 4 दिन या 5 दिन की बात करें तो 23 तारीख आज है, तो आज छुटपुट एक्टिविटी जो हमारे हाई रिचेज अंदर के डिस्ट्रिक्ट की, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ या रुद्रप्रयाग, बागेश्वर की बात करें तो थोड़े बहुत डेवलपमेंट वहाँ लग रहे आज होंगे और हल्की या बहुत हल्की जो बारिश बर्फबारी वो रहेगी। कल फिर साफ है, परसों भी साफ है, 26 में फिर से दिख रहा है कि थोड़ी एक्टिविटी 26 में भी हाई रिचेज में होगी। लेकिन और जगह की बात करें, और डिस्ट्रिक्ट की बात करें या जो डिस्ट्रिक्ट मैंने बोले उनके भी जो है जो लोअर हाइट्स की एरियाज है तो उसमें तो एक्टिविटी नहीं वो दिख रही है, और डिस्ट्रिक्ट में तो खैर साफ ही रहने वाला है अगले 5 दिन अगर बात करें तो इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। तो कोई सिग्निफिकेंट एक्टिविटी रेन या स्नोफॉल की मैं बोलूंगा कि नहीं है, छुटपुटी है जो मैंने बोला 23 और 26 में।